वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चनों का 8वां पार्ट है। अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और बाकी वीडियो को भी एक एक करके देखें। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों इसका सही जवाब आपके सामने है। इसका सही जवाब आ जाएगा, राव चंद्रसेन को अपने महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जिसे भूले बिसरे राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सन 2011-12 की बात करें या फिर अब की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। दोस्तों एक कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन थे। दोस्तों आज की बात करें या फिर 2011-12 की जनगणना की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र थे दोस्तों वो अपने उदयपुर जिले में थे, ठीक है दोस्तों, और फिलहाल भी उदयपुर जिले में ही है। अगला तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ये इंडिया जीके संबंधित है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जानबूझकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस तक की एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर आपके सामने है, सही आंसर 368 इसका सही आंसर आ जाएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में किस चीज की है। दोस्तों राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में हैं। दोस्तों किस चीज की है? दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों चाहे राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो ये प्रश्न तो हमेशा पूछा ही जाता है। मुझे आशा है कि आप सबको इसका सही जवाब आता है और इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों मक्का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। दोस्तों ये पुस्तकालय अध्यक्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आ जाएगा, उधर के साइड के सभी जिले आ जाएंगे, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, टोंक व दौसा, ये सभी जिले अपने अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु के उपखंड के सदस्य जिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों ये पटवार 2013 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपके सामने दोस्तों कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का जो वो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों वो अपने जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण जिसमें संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था। दोस्तों राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था। दोस्तों ये अपने वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की राजधानी अपने उदयपुर जिले को बनाया गया था। दोस्तों किसको? उदयपुर को। चलिए दोस्तों अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐतिहासिक महत्व स्थान बिजोलिया किस जिले में स्थित है। दोस्तों बिजोलिया के नाम सुनते ही अलग ही एक आंदोलन सी की जागृति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये बिजोलिया अपने किस जिले में स्थित है। दोस्तों जेल पैरी परीक्षा 2018 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बिजोलिया अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किस जिले को जाना जाता है या फिर किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों ये एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि 100 टापुओं का क्षेत्र अपने बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि किन दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, यानी कि लास्ट के वे कौन से क्षेत्र थे जिनका विलय होने के बाद अपना राजस्थान का जो एकीकरण था दोस्तों वो पूरी तरह से
यानी कि किन दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। दोस्तों ये अपने हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब मुझे आशा है कि आप सभी ने दिया होगा। और इसका सही जवाब आ जाएगा आबू, देलवाड़ा एवं अजमेर, ये दो लास्ट वो थे क्षेत्र थे जिसके बाद अपने राजस्थान का एकीकरण था दोस्तों, वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका था। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम नई नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बात और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे हम इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हो या फिर किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल हो उसको हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके बार बार इस चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हम रोजाना 5 प्रश्नों का 9 बजे टेस्ट भी लेते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।